Good morning, sixth class. This is fifth video of your chapter number 2, जिसमें हम operations के बारे में जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे अपना? आपके chapter का नाम है operations के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है? Whole number पे क्या-क्या operations होते हैं, उसके बारे में हम लोग जो हैं वो पढ़ रहे थे, ठीक है बेटा? अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? Fifth video में जो हमारे problem sums थे, ठीक है, वो चीज हम कवर करेंगे. प्रॉब्लम सम्स जो थे आपके, उस चीज को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ सेवेंथ क्वेश्चन से जो है हमें स्टार्ट करना था. यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर, ठीक है? लार्जेस्ट 4-डिजिट और लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर कौन सा होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे हम, ठीक है? लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा. देखिए, हमारे पास जब भी आपको नंबर बनाने के लिए बोला जाता है तो हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं? ये 10 नंबर होते हैं, ठीक है? क्योंकि बाकी सब इन्हीं से बनते होते हैं, ठीक है? जैसे अगर आप 92 लोगे तो 9 इसमें है, 2 भी इसमें है, ठीक है? 45, 60, 100, आप कितने भी नंबर बना सकते हो. मेन हमारे पास कितने नंबर होते हैं? ये 10 नंबर होते हैं हमारे पास, ठीक है? 0 से लेके 9 तक, जिससे हम बाकी नंबर्स बनाते हैं, ठीक है? बाकी नंबर्स जो है सब इसी से बनते हैं. तो हमें क्या करना है? लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है? और क्या बनाना है? देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट 4-डिजिट और लार्जेस्ट 3-डिजिट, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जो हमारे पास सामने नंबर है उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें से सबसे बड़ा नंबर जो आपको दिख रहा है वो है 9, राइट? 0 बड़ा नहीं है, 2 बड़ा नहीं है, 3 बड़ा नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है. कौन सा सबसे बड़ा नंबर है? 9. तो हमेशा जब भी आपको लार्जेस्ट बोला जाएगा 9 का इस्तेमाल करेंगे. या आपने पहले भी अपने फिफ्थ में, फोर्थ क्लास में, ठीक है, इन सब में पढ़ा होगा कि लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो हमेशा हम किससे बनाते हैं? 9 से बनाते हैं. 4-डिजिट यानी 1, 2, 3, 4, ठीक है? लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 1, सॉरी, और लार्जेस्ट 3-डिजिट, ये हो गया. अब अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाना हो तो इनमें सबसे छोटा है 0. अगर मैं 4 बार 0 लिख दूं तो क्या ये कोई नंबर बनेगा? नहीं बनेगा. तो क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती अगर इसके आगे कोई भी डिजिट ना हो, तो हम इसलिए यहां पर ऐसे नहीं लिखने की जगह क्या लिखते हैं? फर्स्ट डिजिट तो लिखते हैं 1 और बाकी सब क्या लिखते हैं? 0, ठीक है? इसीलिए हम क्या करते हैं? 0 लिखते हैं. कैसे? जैसे देखिए, 1-डिजिट का नंबर आपको बोला है, यानी 1-डिजिट का 9 है. अगर आपको बोला 2-डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो 9 के बाद क्या आता है? 10. ये 2-डिजिट का नंबर है ना, या पहले 1 आता है और बाद में 0, ठीक है? अगर 3-डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो 99 तक तो 2-डिजिट होते हैं, और 3-डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? 1000, ठीक है? ऐसे, ठीक है? तो जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए होता है तो हम एक फर्स्ट डिजिट पे 1 लगाते हैं और बाकी सब 0 लगाते हैं, ठीक है? अब देखते हैं इसमें आपको क्या बोला गया है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट, यानी अरे सॉरी, लार्जेस्ट नंबर था ना ये, ठीक है? आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से. कौन सी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? अगर याद नहीं है तो हम पीछे जाएंगे दोबारा से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे कौन सी होती है. ये देखिए, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट? तो अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो यहां पर दो प्रॉपर्टीज हैं. हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो दो में बांट दिया है. अब 99 मुझे लग रहा है कि भाई 1000 के ज्यादा पास है. मैं मतलब इसमें से प्लस करूंगी, इससे बेटर है मैं क्या करूं? ये ठीक है माइनस में. अभी एक बार मैं सब्ट्रैक्ट करके देख लेती हूँ, क्या यही डिजिट आ रही है? ये 10 बनेगा, 9, 9, 9, 10 में से बन गया 9. देखिए यही डिजिट बन रही है, मैंने ये वाली डिजिट आगे कर दी क्योंकि ये छोटी थी, ठीक है? यही डिजिट बन रही है क्या? अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. पहले ये, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना आसान हो गया और 1 से भी मल्टीप्लाई आसान हो गया. यानी क्या हो गया?
पता है ना आपको, उतने ही जीरोस लगा देते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। और इसमें क्या हो गया, क्या आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम ऐसे यूज करेंगे, ठीक है बेटा। और अब नॉर्मली आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन आपको खुद करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब एट्थ क्वेश्चन में, देयर आर 52 स्टूडेंट इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं? 52। जैसे आपकी क्लास के दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, आपको सेक्शन दिए हुए हैं कि 52 जो है वो ए सेक्शन में है बच्चे, और 48 जो है वो सेक्शन बी में है। कौन सी क्लास के? सिक्स्थ क्लास के। एक स्कूल की बात चल रही है कि सेक्शन ए में तो 52 स्टूडेंट्स है और सेक्शन बी में कितने हैं? 48। इफ द मंथली चार्जेस फ्रॉम ईच स्टूडेंट्स आर 200, मंथली चार्जेस यानी हर महीने अगर 200 रुपीज सबसे लिए जा रहे हैं, ठीक है, बच्चों से बोले जा रहे हैं कि भाई आप हर मंथ 200 रुपीज लेकर आएंगे, किसी चीज के चार्जेस ले रहे हैं वो। फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास सिक्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है, ओवर एडिशन, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में हमने दो में बांटी हुई है, एक एडिशन में एक सब्ट्रैक्शन में। जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया था वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन था, राइट। अब हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ कि आपको एडिशन ही यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट प्रॉपर बनाएंगे, स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए ऑफ सिक्स 52, स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी ऑफ सिक्स 48, राइट। अब आपको क्या निकालना है, और एक चीज और दी हुई है, टोटल सॉरी मंथली, क्या दिया हुआ है इसमें, मंथली कलेक्शन, ऑफ क्लास सिक्स जो हमें क्या दिए हुए, 200 रुपीज, राइट। यानी एक बच्चे से एक मंथ में 200 रुपीज लिए जाते हैं। अब कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, राइट। सबसे पहले हमें टोटल स्टूडेंट्स पता होने चाहिए, तो टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास सिक्स इक्वल्स टू 52 प्लस 48, कितना हुआ यहाँ पर, ये हो गया 100, राइट। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 100 स्टूडेंट्स हैं और ये है 200, तो हम इसका कैसे करेंगे, हमें क्या निकालने के लिए बोला, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। आपको पूछा टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास सिक्स, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास सिक्स इक्वल्स टू क्या था, 200, यानी जो एक बच्चे से लिया जा रहा है, और कितने बच्चों से लिया जा रहा है, यही है, ठीक है। आपको ये मल्टीप्लाई करना है। अब आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए कहा है, सबसे पहले आप वो प्रॉपर्टी लिखेंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, राइट, ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए कहा था। अब कैसे इसको ब्रेक करें, एडिशन, या तो आप इसको 100 इंटू 100 कर सकते हैं, 100 प्लस 100, राइट, 200 को, क्योंकि इसको 50 प्लस 50 फिर 5 से मल्टीप्लाई करने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो 100 को आप 100 प्लस 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, पहले 100 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे हमने सेम यहां पर किया था, यहां माइनस का साइन था तो माइनस लगाया था, यहां पर प्लस है तो अब आप प्लस लगाएंगे, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं सॉल्व नहीं करूंगी, आई जस्ट टेल यू दी स्टेटमेंट्स ओनली, ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट्स बताऊंगी मैं। 9, कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज रुपीज 225, यानी 225 जो है चेयर की कॉस्ट है, एंड कॉस्ट ऑफ टेबल इज 475, और जो टेबल है उसकी कॉस्ट है 475। इफ अ स्कूल परचेज 50 चेयर्स एंड 50 टेबल्स, अगर एक स्कूल ने सेम ये जो चेयर और टेबल है इसको 50 चेयर्स और 50 टेबल्स खरीदी है,
हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर द सेम, और आप तो फिर वो कितना जो मनी है, कितना जो पैसा है वो देंगे, राइट आपको निकालना किससे है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें क्या है बेटा, जो प्रॉपर्टी आपको बोली जाएगी आपको वही सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, आप अपनी मर्जी से उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या नॉर्मली आप जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो वो नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा। जो आपको क्वेश्चन में पूछा है वही हमें बताना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वन चेयर, क्या है कॉस्ट ऑफ वन चेयर, तो वन चेयर की कॉस्ट कितनी है आपकी, रुपीज 225, राइट। और कॉस्ट ऑफ वन टेबल कितना है, रुपीज 475, राइट। टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर कैसे करेंगे आप, 50 तो उन्होंने चेयर खरीदी है, राइट, प्लस 50 उन्होंने क्या खरीदी है, टेबल, ऐसे ही ऐड करेंगे 50 जो ये खरीदी है, एक का पता है ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा और सेम ही टेबल के साथ भी होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जरूर लिखेंगे आप, कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज करी है। अब देखो 50 इसमें भी है और 50 इसमें भी है, जो कॉमन चीज होती है वो हम बाहर निकाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में, राइट। तो 50 को बाहर निकालेंगे और क्या हो जाएगा, 225 प्लस 475। ये जब मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि अगर सेम डिजिट दोनों नंबर में मल्टीप्लाई हो रही है और बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है तो हम वो सेम नंबर बाहर निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करोगे क्योंकि ये ऑलरेडी सेपरेट था और हमने इसको कंबाइन किया है, तो इसमें आप पहले ऐड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको ऐसे करनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। अब नेक्स्ट आते हैं, किरण बॉट 25 सेट्स ऑफ डायरीज एंड बॉल पेन्स फॉर हर फ्रेंड, यानी 25 सेट की डायरीज खरीदी उसने और 25 ही बॉल पेन खरीदे। इफ कॉस्ट ऑफ अ डायरी इज रुपीज 38 एंड बॉल पेन इज 12, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल, और अगर उसने 38 की एक डायरी खरीदी और 12 रुपीज का एक पेन तो कितना उसने पूरा स्पेंड किया, ठीक है। सेम इसके जैसा क्वेश्चन है जो आप 10th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डायरीज इक्वल्स टू रुपीज 38 या वन डायरी लिखो, इसको डायरीज मत लिखो, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ वन पेन ये कितना है, रुपीज 12। अब यहां पर जैसे हमने यहां टोटल लिखा था तो इसमें नंबर पता नहीं चल रहा, ठीक है, तो आप यहां पर लिख दो कॉस्ट ऑफ 25 डायरीज एंड 25 पेन्स, ठीक है। तो 25 इंटू डायरी का प्राइस क्या है, 38 प्लस 25 इंटू डायरी का प्राइस क्या है, 12, ठीक है। अब दोनों में 25 कॉमन है इसमें भी, तो 25 को निकाल लेंगे बाहर और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 38 प्लस 12 से, ठीक है बेटा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, चलो ये मैं आपको एक बार ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ, एरोज लगाना नहीं भूलना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 50, राइट, 8 और 2 10 प्लस 1 कैरी 3 4 5, तो अब 25 5 जा 125 और ये लास्ट का 0। आप नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 पे, इफ द सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज डिफरेंस जस्टिफाई योर आंसर, यानी अगर किसी, आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इसको कट कर दीजिए, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, 11 क्वेश्चन आप कट कर सकते हैं, ठीक है। 12, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, व्हाट डू यू कंक्लूड, अगर दो होल नंबर है उनका जो सम है, सॉरी जो प्रोडक्ट है वो 1 है, ठीक है, तो आपको इससे क्या पता चलता है, यानी अगर दो होल नंबर्स हैं, जरूरी नहीं है अलग अलग हो,
ठीक है। तो आपको अगर किसी भी नंबर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो यानी आप इससे क्या कंक्लूड करते हो, मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको क्वेश्चंस नहीं करने, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखिए, कभी भी किसी दो नंबर का प्रोडक्ट कब आ सकता है, अगर जीरो को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, वन को जब वन से मल्टीप्लाई या किसी और डिजिट को जब भी वन से मल्टीप्लाई करते हो तो वही डिजिट आ जाती है, यानी जब वन से वन को मल्टीप्लाई किया होगा तभी जो प्रोडक्ट है वो वन आएगा। तो हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं कि दोनों होल नंबर्स वन ही होंगे तभी उनका प्रोडक्ट जो है वो वन आएगा, ठीक है। 13 क्वेश्चन, 1 × 1 = 1, विच अदर होल नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव द होल नंबर इटसेल्फ अगेन, यानी ऐसा कौन सा दूसरा नंबर है, जैसे वन को जब वन से मल्टीप्लाई किया तो वन आया, ऐसा कौन सा दूसरा होल नंबर है जब हम उसको खुद ही से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मतलब जब हम उसको खुद मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद वही सेम नंबर आएगा, यानी विच अदर होल नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव द होल नंबर इटसेल्फ, यानी अगर आप एक सेम नंबर को दोबारा उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, वही होल नंबर आना चाहिए। ऐसा दूसरा नंबर कौन होता है, जीरो होता है। जब जीरो को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, यानी अगर आप टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी टू नहीं आएगा, थ्री को थ्री से करोगे कभी भी थ्री नहीं आएगा, तो ऐसा जीरो ही है वन के अलावा, जो आप खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम नंबर आएगा। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 तक आपको नहीं करना है। 15 क्वेश्चन पे आते हैं, डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय डिवीजन एल्गोरिथम्स, जो अभी हमने लास्ट में डिवीजन एल्गोरिथम किया था ये उस क्वेश्चन पे बेस्ड है, आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। यानी सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। जैसे सपोज यहाँ 9 है तो 2 × 4 = 8 होता है, -1 हो गया, डिनोमिनेटर आ गया। डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, यहां पर हमने पढ़ा था, यहां पर, ठीक है, कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, यही पढ़ा था। अब डिविडेंड इसमें क्या है, 9, यानी जो आप सेंटर में रखेंगे वो डिविडेंड होता है। डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर आपका क्या होता है, 2, राइट, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है 2। क्वेश्चन क्या होता है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो यानी 4, और रिमाइंडर यानी 1। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 2 = 8 प्लस 1, यानी ये क्या बन जाएगा, 9, और यहां पर ऑलरेडी 9 है, ठीक है, तो ये सेम आ रहा है, हेंस तो यानी हमारा आंसर सही है। अगर आपका आंसर ये दोनों सेम नहीं आता, मतलब आपने डिवाइड में कहीं गड़बड़ी की है और आपका आंसर जो है वो गलत है, ठीक है, तो ध्यान रखना है अपना। यहाँ पर आपको डिवाइजर है ये, मैं आपको फिर से लिख के दिखा देती हूँ, आपको कॉपी में ऐसे नहीं करना है, आपको समझ में आ जाए इसीलिए मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। ये है डिविडेंड, ये है क्वेश्चन, और ये है रिमाइंडर, ठीक है। और जब आप यहां पर करेंगे तो इसके ऊपर चेक लिखेंगे, चेक, क्योंकि ये हमारा चेक करने का फॉर्म मेथड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, बाकी क्वेश्चन भी आपको सेम ऐसे ही करने हैं, ये क्वेश्चन आप कॉपी में करेंगे। 16, विच इज द स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 85, यानी स्मॉलेस्ट 5-डिजिट का नंबर बताना है जो डायरेक्ट आपका क्या होगा, डिवाइड होगा 85 से, एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर जो आएगा आपका जीरो आएगा। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले हमें देखना है स्मॉलेस्ट 5-डिजिट का नंबर कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट यानी 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 digits हो गए और स्मॉलेस्ट नंबर भी है, ठीक है, ये होता है स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर। अब किससे डिविजिबल होना चाहिए एग्जैक्टली, तो हम उसको डायरेक्ट पहले 85 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 85 से आप डिवाइड करोगे, पहले 1 पे जाएगा 85, राइट, दो डिजिट है ये, तो ज्यादा से ज्यादा हम 3 ले सकते हैं। कितना बचा, ये बचा 5, और यहाँ पे क्या बचा, 1, ठीक है, 150 हो गया। अब 150 85 जब 85 2000 आप करोगे, यहाँ पर रफ वर्क बनाएंगे, ठीक है, 85 2000 आप जब करोगे तो कितना होगा, 5 × 2 = 10, 8 × 1 = 16, 170, तो ये भी इससे छोटा, यानी यहाँ पर भी 1 जाएगा, 85 5 चलेगा यहाँ पे,
ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कितना हो गया 65। अब एक जीरो और उतारेंगे, ठीक है। ठीक है, जब आप 85 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 7 पे जाएगा, 7 पे कितना आएगा 595, राइट। अब कितना आप करेंगे, अब ये सारी डिजिट्स खत्म हो गई। देखिए ये तो पहले ही चला गया था, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, कोई डिजिट आगे नहीं है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ बचा 5 और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 55। ठीक है, यानी 117 और यहाँ क्या बचा है 55, क्या बचा है 55। ठीक है, अब देखिए 117 पे ये डिजिट जा तो रही है मगर इसमें रिमाइंडर बच रहा है, यानी 117 तक जो है ये डिजिट पूरी नहीं जाएगी, तो किस पे जाएगी, 117 पे नहीं जा रही तो 118 पर जाएगी, राइट, 118 पर जाएगी 85। ठीक है, आप इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 4 5 और ये हो गया 9, 8 8 64 6 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यानी कौन सी डिजिट जाएगी सबसे स्मॉलेस्ट, कौन सी है जहां पर 30 आएगा। ठीक है, समझ गए, तो यानी कितना हो गया 130 जो है इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, हमें ये इससे डिवाइड क्यों किया हमने, ताकि हमें पता चल जाए कि कहां तक नहीं आ रहा, उसके नेक्स्ट डिजिट आएगी। अब इसमें रिमाइंडर बच गया 55 का, ठीक है, 55 का रिमाइंडर बच गया, तो अब यानी इसका जो नेक्स्ट डिजिट है, यानी जब 115 में आप 85 से मल्टी 117 पे नहीं आ रहा है, 117 पे नहीं आ रहा है, तो 108 पे आएगा, क्योंकि 10,000 सबसे छोटे डिजिट है। अब जो भी इसके बाद आएगी वही डिजिट 85 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी डिजिट होगी। ठीक है, तो हम जब भी आपको स्मॉलेस्ट पूछा जाता है तो जो भी 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है आप उससे डिवाइड करेंगे, और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा उसका नेक्स्ट जो होगा वही आपका आंसर है। ठीक है, अब करते हैं, विच लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 10,000 सो दैट 54 इज डिवाइडेड द सम एग्जैक्टली, यानी सबसे छोटा नंबर इसमें क्या एड होगा जो 54 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या एड होगा, ठीक है, क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे 54 से। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 54 से। पहले दो डिजिट लेंगे, ठीक है, दो डिजिट लेंगे तो 1 पे जाएगा 54, रिमाइंडर कितना बच गया, यहां 6 और यहां पर 4, 460। ठीक है, जब आप 54 को मल्टीप्लाई करेंगे, आप पहले ये डिजिट का टेबल लिख लेंगे ताकि बार बार आपको मल्टीप्लाई करना ना पड़े, 8 4 जार, यानी कितना आ रहा है 8 पे 432। मैंने भी पहले मल्टीप्लाई करके पहले ही टेबल पूरा लिख लिया है ताकि मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 5 में से 3 गए क्योंकि ये 5 बन जाएगा जब ये कैरी देगा, तो 2 बच गया 28। अब ये जीरो यहां आ गया और ये जीरो यहां पर आ गया। ठीक है, अब किस पे जाएगा, फाइव पर 260, यहां क्या बच गया 20। देखो ये वाला रिमाइंडर हम कब यूज करेंगे, जब हमें माइनस करना होगा, कि इसको माइनस कर दो 185 पर पूरा चल जाएगा, मगर हमें यहां पूछा है क्या और ऐड करें, ये पूछा है व्हाट शुड बी लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, यानी 20 का गैप तो पहले ही है, हमें क्या बताना है 54 और बढ़ाना है, मतलब 54 जब इसमें ऐड होगा हर डिजिट में, जैसे अगर 2 है तो जब उसमें आप 2 ही ऐड करते हो तो ही तो नेक्स्ट डिजिट आती है। अब 20 तो हमारे पास पहले ही है, 20 पे तो नहीं जा रहा, 54 में से 34, यानी 34 हमें और ऐड करना पड़ेगा तभी तो 54 बनेगा। हर एक स्टेप पे नेक्स्ट टेबल में हम ऐसे, जब आप 9 का टेबल बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं ना, 9 1 9 9 2 18, फिर आप इसमें 9 3 फिर दोबारा ऐड करेंगे, यानी सेम नंबर हम हर स्टेप पे ऐड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन है, यानी बार बार जब आप ऐड करोगे तो टेबल बनता चला जाएगा। तो 185 पर तो नहीं आ रहा, इसमें 20 और ज्यादा है, अगर हम इसमें, अगर मैं इसमें 185 में 54 और ऐड कर दूं तो क्या ये चला जाएगा नेक्स्ट डिजिट पे,
कितना आएगा 8, 9, 10 239 इसमें ऐड नहीं करना, 10,000 में ऐड करना, ठीक है। तो ये वाली जो होगी डिजिट ये जाएगी नेक्स्ट। तो अब इसमें 20 तो हमारे पास ऑलरेडी है, अब इसमें क्या ऐड करना है? एक काम करिए, देखिए हमें इस स्टेप के बाद 54 और ऐड करना है, ठीक है। 54 जब आप ऐड करेंगे तभी 186 की टेबल वाला आंसर आएगा। तो 54 में से 20 तो हमारे पास पहले ही बच रहा है, तो हमें कितना और ऐड करना है? 34। तो यानी 34 जो है वो लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो ऐड होना चाहिए 10,000 में, लीस्ट नंबर टू बी एडेड इन 10,000, ठीक है। तो 54 क्योंकि 20 हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, जब आप इसमें से 20 माइनस कर दोगे ना 10,000 में से, जब आप 20 माइनस कर दोगे तो 185 पे वो डिजिट चली जाएगी, ठीक है। तो जब आप ये माइनस करोगे तो क्या आएगा, यानी 9980 जो है वो डिजिट, फोर डिजिट की नंबर है जो 54 पे जाएगी। जब आप 54 और ऐड करोगे तभी तो वो नेक्स्ट नंबर पे जाएगी। देखिए सेम ये डिजिट आ रही है 10,034, यहीं पर जब आप 34 ऐड करोगे तो ये भी बन जाएगी 10,034, समझ गए। तो जब आपको माइनस करने के लिए बोला जाए तब तो आप सेम जो आपको डिनोमिनेटर में दिया है वही डिजिट इस्तेमाल करेंगे, और जब आपको ऐड करने के लिए बोला जाए तो आपको ये देखना है इसको इससे माइनस करके क्या आंसर बन रहा है, तो वही आपको ऐड करना है। विच लीज नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अब आपको सब्ट्रैक्ट पूछा है तो इसको देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कैसे हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। तो अब ये करते हैं 64 से डिवाइड 10,000 को, पहले वन पे जाएगा 64, कितना आंसर बचेगा 36, ठीक है। अब ये कितने पे जाएगा, 5 पर जाएगा, 5 पर यानी ये आएगा 320, ठीक है। ये बच गया कितना 40, एक जीरो हमने यहाँ उतार लिया, एक और जीरो यहाँ पर उतारेंगे, ठीक है। हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लिया, 6 पर ये जो है जा रहा है, कितना आ गया यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया 1, ठीक है 16। यानी देखिए जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, यानी ये कब आएगा, इससे कम छोटा नंबर कौन सा डिविजिबल होगा, कि ये 10,000 से एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाए, ये ज्यादा है, ठीक है ये ज्यादा है तो इसको कम कर देंगे, यानी 16 जो है 16 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो 16 ही सब्ट्रैक्ट होना चाहिए फ्रॉम 10,000, ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रहा है। जब आपको ऐड करना होता है तो आप देखते हो इन दोनों में से कितना डिफरेंस है, यानी हमें इतना नंबर चाहिए नेक्स्ट डिजिट पे जाने के लिए, तो इसको माइनस कर दो जो ऑलरेडी है। अब हमें डायरेक्टली नंबर पूछा है कि सब्ट्रैक्ट कौन सा करना है, तो हम रिमाइंडर जो आया हमारा वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। इसी के साथ आपकी जो 2.2 है ये खत्म होती है, आपकी 2.3 जो है वो पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर आपको पैटर्न्स दिए हुए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, ये जस्ट फन वे में दिया हुआ है आपको, तो ये वाली एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे। अगर आपको करनी है तो आप खुद से घर में कर सकते हैं, ये फन के लिए कि मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ पैटर्न्स बना रखे हैं, ठीक है, कि 9 × 9 + 7 फिर ये 8 है, फिर 3 × 8 है, 4 × 8 है, 5 × 8 है, फिर नेक्स्ट आएगा तो 6 × 8 हो जाएगा। तो ये फन एक्सरसाइज है, ये आप खुद कर सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आपका चैप्टर जो है वो यहीं पर फिनिश होता है, 2.2 तक ही करेंगे हम, ये आपका चैप्टर जो है वो यहीं पर फिनिश है।